हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हलीमा सादिया कहती है, मेरे घर में ये प्यारा लाडला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आया, मेरे घर में बरकतें हुई, रहमतें हुई। सच कहा शायर ने, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, डर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी। हलीमा सादिया कहती, मैं अपने आका को लेके तो आ गई घर में, मेरी झोपड़ी है, इनको कहां सुनाऊं, कहां बिठाऊं, नबियों का सरदार है। हलीमा सादिया ने जो कहा पंजाबी शायर ने नक्शा खींच के लिखा है, हलीमा घर कभी देखे कभी सरकार नो देखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए बिछावा जा सुभान देखो। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के मुबारक मौकों पर हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब लोग सपोर्ट करें, औरतों का भी ज्यादा इसमें योगदान होना चाहिए, उनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि नहीं, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हें ससुराल में अच्छी तरह रहे, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे यहाँ बहू आए माशाल्लाह नेक आए सालिहा आए। देख लो माशाल्लाह ताला, माँ जब सालिहा और माँ जब सैयदा फातिमा उम्र खैर है, वालिद मोहतरम सैयद बाबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं, अल्लाह ने बेटा भी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अता फरमाया। जब माँ बाप नेक होते हैं तो अल्लाह ताला बेटा भी नेक ही अता फरमाया, औलाद भी इतनी प्यारी अता फरमाई कि देख लो आज गौसे आजम के नाम का डंका बजता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या वो मदरसे नहीं है? आज देखो गौसे आजम माँ के पेट से 17.5 पारे हिफ्ज याद कर फिर भी मदरसा जा रहे हैं, और हम कुछ भी याद करके नहीं आए माँ के पेट से फिर भी मदरसा नहीं जाते। हमारी जिम्मेदारी है कि मदरसा पढ़े। नौजवानों को खुद को चाहिए अपनी अजदवाजी जिंदगी के बारे में खुद सोचें कि मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगा, चलूंगा तो अपने नबी के पीछे चलूंगा, वही कामयाब होगा। वरना कितने सारे लोगों ने आज कोशिशें की, मेहनत की, अपना दिमाग चलाया, थोड़ा दिन में फेल हुआ, टिकट बैठ गया। कितने सारे लोग परेशान और बर्बाद हो गए, क्यों? उन लोगों ने नबी का तरीका छोड़ा, वो बर्बाद हो गए। आज क्या मौलाना साहब ने शादी नहीं की? क्या हाजी साहब बैठे और भी लोग शादी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज ये शादी हो रही है, नबी की महफिल सजी हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई शादियां नहीं होती याद रखो। अच्छा रही बात शादियों के मुबारक मौके पर, अल्हम्दुलिल्लाह कौन कहता खर्चा नहीं करना, हम तो नहीं कहते खूब खर्चा करो आप, लेकिन जायज करो। इतनी तकरीरें करी लोगों ने, और अभी जोधपुर के अंदर इतना अच्छा सिस्टम हो गया था कि माशाल्लाह ताला ये नाच गाना ये डीजे वगैरह बंद हो गए थे, लेकिन चंद लोगों की वजह से, और ये मालदार किस्म के लोग जिन्होंने बर्बाद किया जोधपुर को, बताओ चंद लोगों की वजह से आज ये वापस हो गया। वरना उलमा इकराम मौलाना लोगों ने सबने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि माशाल्लाह हम सब लोग कोशिश करेंगे, पूरे जोधपुर के अंदर मीटिंग हुई और सारा काम अच्छा हो गया था, ये डीजे गाने से बंद हो गया था। आज हम खुद देख लो हालात कितने बुरे, आज आपका बताइए हॉस्पिटल है आपका, स्कूल बताइए, हॉस्पिटल बताइए, एम्बुलेंस बताइए, कुछ नहीं है,
ये है हालात इतने नाजुक है, शादियों के मुबारक रिपिया उछाड़ गए और डोलियों के देखे तुम कितने ऊपर आ जाओ। याद रखिए मेरे आका अली सल्लल्लाहु सलाम के पर दीवानों, आपको देना ही है तो माशाल्लाह तबारक बता आपके साथ साथ ये आप सम्मेलन में शादी कीजिए। देखो छिपो में सम्मेलन होता है, कई जगह होता है, मैं चित्तौड़ वगैरह वहां भी हमारे सिद्दीक भाई है नूरी चित्तौड़गढ़ वगैरह छिपा बिरादरी में जाना होता है, मेरा भीलवाड़ा वगैरह सब जगह। तो आप देखें कि शादियों के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बासनी के अंदर भी शादियों में बताइए आप सौ सौ जोड़े बताओ आप 33,000 में 30,000 में शादी हो जाती है सुभान अल्लाह। और आप 30,000 में देना बाने बैठे में 30,000 में उसमें खर्च हो जाता है। अगर बासनी के लोग मालदार नहीं क्या उनके पास पैसा नहीं है, याद रखिए पैसे का मतलब ये नहीं कि अपन फजूल खर्ची करो, आप सही जगह खर्च करो। बासनी वगैरह नागौर के लोग उनके बॉम्बे के अंदर कारोबार है वहां सब वो उसके नाम बेटी के नाम कर देते हैं, डेयरी है दूध की या जो भी उनका कारोबार दुकान है बॉम्बे में 50 लाख की हल्ले बेटी के नाम कर दी पावन पकड़ा देने ले जा 100 दीजिए है वो तो हर महीने मदीने ले जाओ भी नहीं क्यों जितने 5 लाख किराए किरे का और तलाक की तो सोचे ही कौन है लोगों की सब दे जाओ है। आप हजरात देखे और हम लोग क्या करें डोलियों को नाचने वालों को ये सब देख ऐसे सोचता कि दरबार वही है आप वाली घरे आटो ही बोल है। हमारी जिम्मेदारी नहीं कभी भी फजूल खर्चे मत करो, शरीयत के अंदर है। मैं ये तो नहीं कह रहा 50 लाख रुपए ही दो जगह होगा, नहीं अपनी हैसियत के मुताबिक। रही बात शादी करें तो हम लोग तो ये ऐलान करते हैं कि मस्जिदों में निकाह कर दीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी फारूक साहब ने मक्का मस्जिद बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह बासनी के अंदर, तो मुफ्ती आजम राजस्थान वहां से 25 साल पहले मैं भी हाजिर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के मुबारक मौके पर निकाह मस्जिद में हुआ बेटियों का, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और आज हम कहते हैं अरे मौला साहब जो अपने मोहल्ले में ऐलान करो कि निकाह मस्जिद में हो तो लोग फकीरान मस्जिद में निकाह करा रे तक जान गया रे खुदा के अंदर मस्जिद के अंदर कालीन बिछी हुई ऐसे लगी हुई पंखा लगे हुए वजू करने के लिए वजू खाना जितने बाराती आते हैं बा वजू आते हैं जोर से बोलो सुभान अल्लाह। निकाह मस्जिद में हो जाए और माशाल्लाह इजाजत घर से लेके आ जाओ, बस दुल्हन से इजाजत ली निकाह मस्जिद में हो गया। लेकिन नहीं अरे वहां साहब मस्जिद में नहीं, मैं तो मैरिज पैलेस मैरिज गार्डन तुझे पता है पहले दिन में दारू की बोतल ढूंढती दूसरे दिन तुम जाते हो, आपको पता है कि कितने हालात मुझे मजबूरी है अपनी कि हम लोग ऐसी जगह पे खाना खाते हैं, फिर आज शादी हो रही है किसी गैर मुस्लिम की या जो भी तो वहां कितने नाजुक है हालात आप देखे तो सही, नाच गाना शराब की बोतलें चलती और दूसरे दिन उसी दिन अपन दूसरे दिन तीसरे दिन अपना नंबर आता है अपन लोग वहां जाते हैं। याद रखिए इस आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर सबसे बुरी जगह बाजार है तो सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। मस्जिद में निकाह करने वाला फकीर होता है, मस्जिद में निकाह वाला मौला अली सरकार सुभान अल्लाह है, वो मौला अली जिनके दामन में है करोड़ों वाली सुभान अल्लाह। जैसे दुल्हन सैयदा फातिमा तो जहरा है, दूल्हा मौला अली है सुभान अल्लाह, और जिनके बेटे हसनैन करीम है सुभान अल्लाह, औलाद जिनकी ऐसी कि जल गया खैमे अथर दीन पे आंच नहीं आने दी मरहबा जुर्रत इब्ने हैदर के सर दिया बात नहीं जाने हसनैन की नालैन पे दो नैन तसद्दुक दो नैन पर क्या चीज है कौलैन तसद्दुक। मस्जिद में जब बारात आते हैं बावजू आते हैं और वहां पर कुरान पाक की तिलावत हो जाए तो फरिश्ते बारात में उतर जाते हैं सुभान अल्लाह। कोशिश करें इंशाल्लाह ताला कि हम शादियों के मुबारक मौकों पर अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा रिश्ता करें, रिश्ता करने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जल्दबाजी ना करें और माशाल्लाह ताला जब निकाह हो उस वक्त सब लोग दुआ करें। क्या मतलब अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले, सभी को दुआ करनी चाहिए, बेशक खाना पीना ये तो सब चलता ही रहता है और खाना भी खाओ तो बैठ के खाओ सुभान अल्लाह। आजकल लोगों ने एक और तरक्की कर बम्पर सिस्टम है, मैं कहूँ तो ऊंटम सिस्टम है, ऊंट फिरे जो फिरे इतनी तरक्की करी है। मैं बताऊँ आपको जैसे ही मैरिज पैलेस और मैरिज गार्डन में दाखिल होते हैं तो पलेटा गेट पर ही धरुड़ी ने पुल पकड़ा था तो पलेट पकड़ी और बड़ी बाड़ो फिर तो जा सकते एक दिन रमजान जी के हफ्ते में शादी में गया
तो मेरे यार बड़ा बहुत बड़ा तो वो चिड़िया अरे मेरे लाख रुपए लगे देंगे को बड़ा मेरे कहने से।